हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना होस्ट दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस पर। एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ में, नया चीज के साथ में आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस तरह से आप होम्योपैथिक वाइंस के लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहते हैं, वीडियोज पर भी लाइक एंड शेयर करते रहते हैं, सब्सक्राइब करते हैं विद नोटिफिकेशन बेल के साथ में, आप सभी का आभारी रहूंगा। जिस तरह से आप हतोत्साहित न करके प्रोत्साहित करते हैं हमें, तो आज जिस मेडिसिन के बारे में, जिसके रोचक गुण बताने के बारे में मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, उसका नाम होता है पॉपुलस ट्रिमल। हाँ जी, पॉपुलस ट्रिमल के बारे में मैं यूजेस एंड बेनिफिट्स आपको बताऊंगा। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होम्योपैथिक मेडिसिन, तो आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, शुरू से अंत तक आपको रोचक जानकारी देखने को मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं होम्योपैथिक वाइंस पर। पॉपुलस ट्रिमल एक होम्योपैथिक औषधि है जो कि नॉर्थ अमेरिका और एक्सटेंड टू द मेक्सिको के माउंटेन्स पर कल्टीवेट होने वाला एक पेड़ है। मीडियम साइज का पेड़ होता है, आपको स्क्रीन शॉट पर दिख जाएगा। इसकी जो पत्तियां होती हैं ओवेट टाइप की पाई जाती हैं, हल्का ग्रेइश टाइप का पौधा होता है। इसके अंदर पाए जाने वाले ग्लाइकोसाइड पॉपुलिन जो होते हैं और एक टैनिन होता है, एक तरह का एंजाइम कह लीजिए या प्रोटीन कह लीजिए, जो इस होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में इसकी जो बखूबी प्रसिद्धता है उसको इंडिकेट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। और आपको बताते हुए बड़ा ही खुशी होती है कि पॉपुलस ट्रिमल जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसकी इनर बाग से मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। लोअर पोटेंसी स्पेशली काम में ली जाती, बहुत ही अनकॉमन रेयर होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपको बहुत ही कम यूट्यूब चैनल पर इसके रिगार्डिंग बताने का किसी को पेशेंट को मौका नहीं मिला होगा। इसके यूजेज एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। जहां तक इसके यूजेज की बात करें, स्पेशली ओल्ड पीपल्स जो होते हैं 60-65 साल के कह लीजिए, उससे ऊपर के व्यक्ति, चाहे वो महिलाएं पुरुष हों, इसमें स्पेशली डिस्पेप्सिया और एटोनी ऑफ द ब्लैडर, डिस्पेप्सिया पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी होती है, फीवल डाइजेशन, डिस्पेप्सिया, इनडाइजेशन, उसमें अपन इसको मदर टिंचर को यूज कर सकते हैं। और अटोनी ऑफ द ब्लैडर कह लीजिए, कटारा ऑफ द ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम पर बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। स्पेशली एस्पिरिन जिस तरह काम करती है, एक सॉल्ट होता है अदर पैथीज में, एलोपैथिक में एक एस्पिरिन होती है जो कि फीवर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है, एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। उसी प्रकार से पॉपुलस ट्रिमल एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पायरेटिक एक्टिविटी, फीवर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है, एनाल्जेसिक की तरह काम करती है, या फिर कह लीजिए साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है। कहीं पर भी पेन हो रहा हो, फीवर हो रही हो, तो उसको रिड्यूस करने का काम करेगी पॉपुलस ट्रिमल। एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके अंदर पॉइजन निहित होता है, पर पोटेंटाइज पल्वराइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, इसीलिए इसे एस्पिरिन के पैरेलल ही माना जाता है, उसी की तरह वर्क करती है। जिस तरह एलोपैथी में एस्पिरिन होती है, उसी प्रकार पॉपुलस ट्रिमल होम्योपैथिक का एस्पिरिन है। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी होने के बावजूद भी ये आपकी ब्लैडर से समस्याएं, डिस्पेप्सिया, स्टमक की समस्याएं और फीवर को रिड्यूस करने की तरह, फीवर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो आशा करता हूँ जितनी भी जानकारी पॉपुलस ट्रिमल के बारे में दी गई उससे आप संतुष्ट होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं जल्द ही आपके समक्ष हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।